हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल चॉकबोर्ड पे। मेरा नाम है विकास और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग क्लास 10 CBSE के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले कुछ लेक्चर में मैंने आप लोग को सारी चीजें बता दिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कहाँ पर काम देता है, उसका क्या काम होता है, ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो बच्चों मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दे ताकि आप लोगों को नया से नया नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिल सके। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी है विच डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, किसी एक बॉडी का चार्ज, जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास कोई एक बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो मेरे पास बॉडी है बच्चों इस पर पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं। जब ये अपना चार्ज किसी दूसरे बॉडी बी को दे दे, ये मेरे पास कोई बॉडी बी है और ये कोई बॉडी ए है, जब इस पर का चार्ज इसके पास आ जाए, ठीक है बच्चों, जब बॉडी ए का चार्ज बॉडी बी के पास आ जाए तो वो कहलाता है हम लोग के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं फिर से बता दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिटरमाइन करता है किसी भी चार्ज को फ्लो करने के लिए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ये हम लोग के पास बच्चों कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी का जो इलेक्ट्रिफिकेशन डिग्री होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, किसी बॉडी का जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है उसके डिग्री को नापने के लिए भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बाद जो हम लोग के पास उसको नापते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ अ पाथ फॉलोड। बोला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर मान लेते हैं जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ रहे हैं, ये मेरे पास बहुत सारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए मान लेते बच्चों ये मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ना स्टार्ट करते हैं किसी एक पॉइंट से, ठीक है, किसी इंफिनिटी पॉइंट से, मान लेते ये मेरे पास कोई पॉइंट इंफिनिटी पर है, ठीक है, ये मेरे पास कोई पॉइंट बच्चा इंफिनिटी पर है, जैसे इंफिनिटी से वो ग्राउंड स्टेट तक आते, यहां तक, यहां से उन्होंने स्टार्ट किया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इन्फिनिटी पर चार्ज था जो कि वहां से स्टार्ट किया और ग्राउंड स्टेट तक लेके आने में जो इसके पास डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वही हम लोग के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहा है, उसी को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। बोला क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी इंफिनिटी पॉइंट से लेके ग्राउंड स्टेट तक आने में जो हम लोग के पास वर्क डन लगता है, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है, जो हम लोग के पास वर्क डन लगा है वही वर्क डन हम लोग के पास कहलाता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बच्चों वो हम लोग के पास वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ पॉइंट ऑफ वन वोल्ट। अगर वन वोल्ट की बात किया जाए, अगर हम लोग वन वोल्ट की बात करें तो वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल अपॉन में वन कूलम। ठीक है बच्चों, जो हम लोग के पास वन वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ वन वोल्ट जो होता है वो वन जूल अपॉन में वन कूलम के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, अब पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, मान लेते हैं मेरे पास कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, ये पॉइंट मेरे पास कोई ए है और दूसरा पॉइंट जो है वो कोई पॉइंट मेरे पास बी है। ठीक है, ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड,
किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मेरे पास बहुत सारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ रहा है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब बोला क्या है, यहां से लेके यहां तक जाने में, कोई एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक इसको जाने में जो हम लोग के पास वर्क डन लग रहा है, वो भी हम लोग के पास एक टाइप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ही नाम दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कह रहा था, इंफिनिटी से ग्राउंड स्टेट तक लेके आने में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम लोग के पास कोई दो पॉइंट है जो इनिशियल से फाइनल तक जा रहा है, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यह हम लोग के पास बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का काम करता है। तो जो बच्चों अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ का काम क्या है, पहले तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं, ये ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओम्स लॉ जो है बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर एग्जाम में पूछे जाने वाले अधिकतर, और इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग के पास है वो ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ बोलता क्या है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर वेयर द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेस, स्ट्रेन एक्सेट्रा रिमेन्स द सेम, ठीक है। जहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग के पास V है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, अगर यहां पर हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म एक ले लिया जाए तो हम लोग लिख सकते V इज इक्वल टू आर आई, यही हम लोग के पास कहलाता है बच्चों ओम्स लॉ, ठीक है, यही हम लोग के पास कहलाता है ओम्स लॉ। इसका डेरिवेशन है, दो तीन लाइन का डेरिवेशन है, दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I, जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो हम लोग के पास एक कांस्टेंट टर्म मिलता है जिसको हम लोग R बोलते हैं, और वही R हम लोग के पास V इज इक्वल टू आर आई के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें से आप लोग दो तीन फॉर्मूला आराम से बना सकते हो, या तो V इज इक्वल टू आर आई ले लो, I इज इक्वल टू V बाई आर ले लो, R इज इक्वल टू V बाई आई ले लो, ठीक है। तो ये आप लोग के पास कई सारे फॉर्मूले क्रिएट हो जाएंगे जो कि हम लोग ओम्स लॉ के तहत ही काम करेंगे। इसी ओम्स लॉ को देखते हुए बच्चे हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है उस पर भी काम करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स वाले टर्म भी मिल जाएंगे, वो भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में बच्चा हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधक। इसका मतलब होता है जब किसी सर्किट में, ठीक है, अनवांटेड करंट, मतलब मेरे पास कोई एक सर्किट है जहां पर हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा के रख दिया, ठीक है, ये मेरे पास कोई एक सर्किट था जहां पर मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया और ये बैटरी से मैं इसको चार्ज दे रहा हूं, ठीक है। मान लेते इस रेजिस्टेंस का काम है सिर्फ और सिर्फ 200 वोल्ट तक लेने का, और मैं इससे भेज रहा हूं 240 वोल्ट, ठीक है। जैसे ही 240 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा, ये तो 200 वोल्ट अपने पास रख लेगा, बचा हुआ जो 40 वोल्ट है बच्चों, ठीक है, बचा हुआ जो 40 वोल्ट है ये क्या करेगा, अपने पास स्टोर करके रख देगा और 200 वोल्ट को क्या करेगा, सीधा का सीधा आगे पहुंचा देगा। जब कोई अनवांटेड करंट, ठीक है, जब कोई बच्चों अनवांटेड चार्ज किसी सर्किट में दौड़ रहा है, वहां पर जब बहुत अमाउंट ऑफ चार्जेस फैलना स्टार्ट कर दिया, फिर बहुत अमाउंट ऑफ चार्जेस मिल रहा है उस सर्किट को, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, वो जो अनवांटेड चार्ज रहता है उसको अपने पास स्टोर करके रख देता है, और जो बाकी चार्जेस रहते हैं उसको क्या कर देता है, आगे फ्लो करवा देता है। तो ये काम होता है बच्चों हम लोग का रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस होता क्या है देख लो। तो बच्चों जो रेजिस्टेंस है उसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफर बाय अ कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है। जब किसी भी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, मतलब अनअमाउंटेड ऑफ चार्ज जो बहुत ज्यादा फ्लो करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तुरंत का तुरंत ब्रेक डाउन कर लेते हैं, वही हम लोग के पास रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस का फिगर बच्चों कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। तो आज के क्लास में बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।